देखिए हम कर रहे हैं हमारी सब्ट्रैक्शन, मैथ्स की सब्ट्रैक्शन। तो देखिए SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन, मेरे साथ स्पेलिंग बोलिए SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, सब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है, घटाना, या जिसको हम बोलते हैं बाकी करना। तो देखिए हमारा फर्स्ट सवाल है ए यानी एक, ए यानी क्या होता है एक, FRUIT फ्रूट, फ्रूट यानी सब जानते हो फ्रूट यानी फल, SELLER सेलर, सेलर यानी बेचने वाला, ए फ्रूट सेलर एक फल बेचने वाले के पास क्या है, 56 ORANGES ओरेंजेस, 56 हो गया है ऑरेंज। तो देखो उसके पास क्या है, एक फल बेचने वाले के पास 56 संतरे हैं या नारंगी है। तो देखिए आउट यानी उन, आउट ऑफ या देम यानी उनमें से, THEM क्या होता है देम, उनमें से, आउट ऑफ देम उनमें से ही यानी उसने, वैसे वह होता है का मतलब, लेकिन यहाँ हम किसी और के लिए बोल रहे थे, क्या बोलेंगे उसने, SOLD सोल्ड, सोल्ड यानी बेच दी, क्या किया उसने, उसमें से कितनी बेची उसने, उसमें से कितनी ऑरेंज बेची, 32, एक फ्रूट सेलर था उसके पास 56 ऑरेंज थी, उसने उसमें से 32 ऑरेंज बेच दी। तो बेच दी तो उसके पास ऑरेंज कम होएगी ज्यादा होएगी, कम होएगी ना। तो देखो हाउ मैनी मीन्स कितना कितनी कितने, क्या होता है हाउ मैनी मीन्स कितना कितनी कितने, ORANGES ऑरेंजेज। तो देखो अब उसके पास वर यानी थी लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, लेफ्ट यानी बची, विद यानी उसके पास, अब उसके पास कितनी ऑरेंज बची, वापिस रीड कीजिए, ए फ्रूट सेलर हैड 56 ऑरेंजेज, एक फल बेचने वाले के पास 56 ऑरेंज थी, आउट ऑफ देम उनमें से ही सोल्ड 32 ऑरेंजेज, उसने 32 ऑरेंज बेच दी, हाउ मेनी ऑरेंज वर लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितनी ऑरेंज बची, तो उसके पास ऑरेंज ज्यादा बचेगी कम बचेगी, कम बचेगी। और मैंने बताया था आपको कम के लिए क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास है यहाँ 56 और 32, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, अब टू, टू को क्या करना है, टू से लेके सिक्स तक काउंटिंग बोलनी है, लेकिन हमें टू को छोड़ना है और टू के बाद सिक्स तक काउंटिंग बोलनी है। तो बोलो अपने फिंगर पे, टू के बाद क्या आता है, थ्री, थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां तक अपने थंब से उसको होल्ड करके रखो, उसके बाद काउंट करो 1 2 3 4, कितने आए फोर, तो यहाँ फोर राइट कर देंगे। अब देखो यहाँ फाइव है यहाँ थ्री है, तो देखो थ्री अभी क्या करना है, थ्री को छोड़ना है और थ्री के बाद से काउंटिंग बोलनी है फाइव तक। तो बोलो 4 5, कितने आए, टू आए ना, 1 2, तो टू राइट कर देंगे वहां पे। तो इस तरह से कितनी ऑरेंजेस लेफ्ट हुई उसके पास, 24, कितनी ऑरेंज बची उसके पास, 24, तो यहां लिख देंगे 24 ऑरेंज लेफ्ट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन का। देखिए SHASHI क्या होता है, शशि, शशि क्या है, किसी का नाम है, एक गर्ल का, एक गर्ल है शशि नाम की, इसका नाम है शशि, WANTS वांट्स, वांट्स यानी चाहना, टू कलेक्ट यानी इकट्ठे करना, 68 टॉयज, टॉय यानी खिलौने, शशि कितने खिलौने इकट्ठा करना चाहती है, 68, शशि वांट्स टू कलेक्ट 68 टॉयज, यानी शशि 68 टॉयज इकट्ठा करना चाहती है। तो देखो
एस एच ई शी, शी यानी उसने, उसके पास हैज ओनली, ओ एन एल वाई ओनली, ओनली यानी केवल 56 टॉयज, उसके पास केवल कितने टॉयज है 56 टॉयज है। तो क्या करना है उसको, हाउ मैनी, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एम ए एन वाई मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना कितनी कितने, टी ओ वाई एस टॉयज, टॉयज यानी खिलौने, हैज शी यट, यट यानी अब, टू कलेक्ट यानी इकट्ठे करने हैं, हाउ मैनी टॉयज हैज शी यट टू कलेक्ट, अब उसको कितने खिलौने इकट्ठे करने हैं। तो देखो पहले उसके पास कितने खिलौने हैं, 68 खिलौने, मतलब सॉरी 68 खिलौने वो इकट्ठा करना चाहती है, और उसके पास कितने खिलौने हैं 56 है पहले से, अब उसको कितने और इकट्ठे करने हैं, तो उसे कम इकट्ठे करने हैं, ज्यादा करने हैं, पूरे 68 करने हैं, नहीं करने ना पूरे 68 खिलौने, अब उसे कम करने ना, 56 तो उसके पास है, अब उसे कम इकट्ठे करने हैं, तो कम के लिए क्या करना है हमें, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास 68 खिलौने पहले से है तो वो हमने राइट कर दिए, सॉरी 68 खिलौने उसको कलेक्ट करने हैं तो वो हमने राइट कर दिए, फिर उसके बाद कितने खिलौने है उसके पास 56, वो हमने नीचे राइट कर दिए, और इसकी क्या करेंगे अब सबट्रैक्ट। तो करेंगे सबट्रैक्ट, देखिए सबट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 6 नीचे वाले डिजिट को देखना है, नीचे कितने हैं 6, और 6 को क्या करना है हमें छोड़ना है, भूल जाओ 6 को, और 6 के बाद कहां से काउंटिंग बोलनी है, क्या आता है 6 के बाद 7, तो 7 से काउंटिंग बोलो, 7 8, तो कितनी आई फिंगर काउंट करो, 1 2, कितनी फिंगर आई 2, तो यहां क्या राइट करेंगे 2। अब देखिए अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी हमारे पास 1 डिजिट और बची है, 6 और 5 और करना है हमें। तो देखिए अब 5 हमारे पास नीचे कौन सा डिजिट है 5, तो 5 को क्या करना है हमें छोड़ना है, 5 के बाद क्या आता है वहां से काउंटिंग बोलनी है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, 6 से आ गया और 6 से हमें देखना है, तो कितनी फिंगर आई हमारी 1, तो यहां क्या राइट करेंगे 1, ये मैंने राइट किया 1। अब देखिए हमारी सबट्रैक्ट कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि आगे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, देखिए 8 और 6 का भी कर लिया, 6 और 5 से भी कर लिया, अब कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब उसको कितने खिलौने और इकट्ठे करने हैं 12, तो देखिए लिखिए 12 टॉयज हैज, आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है, आप ये दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कीजिए।